पाप की कमाई। कासिमपुर गांव में एक गवाला था। वह गांव से दूध लेकर शहर जाता था। शहर में उसके शुद्ध दूध की चर्चा होने लगी। लोग उसी से दूध खरीदने लगे, लेकिन गवाले के मन में लालच आ गया। वह दूध में पानी मिलाकर बेचने लगा। कुछ ही दिनों में उसके पास बहुत से पैसे हो गए। एक दिन वह अपना सारा धन थैली में बांधकर साहूकार के यहाँ सुरक्षित रखने जा रहा था। वह पैदल ही जा रहा था। गर्मी का मौसम था। रास्ते में नदी देखकर गवाले ने सोचा कि हाथ मुंह धोकर पानी पी लिया जाए। उसने पोटली नदी के किनारे रख दी और नदी में पानी पीने लगा। नदी के किनारे पेड़ पे बैठा एक बंदर नीचे आया और पोटली को उठाकर पेड़ पे चढ़ गया। पोटली के अंदर हाथ डालकर और खाने की चीज न पाकर उसने गुस्से से पोटली को पानी में फेंक दिया। गवाला यह देख के बहुत परेशान हो गया। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि कैसे अपनी कमाई को बचाए। बंदर ने पूरी थैली फाड़कर नदी में फेंक दी। गवाला नदी किनारे बैठकर रोने लगा। अब उसे समझ में आ गया था कि पाप की कमाई कभी नहीं टिकती। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी बेईमानी नहीं करनी चाहिए, हमेशा ईमानदारी और सच्चाई के मार्ग पे चलना चाहिए।